नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जो भी वीडियो जो आपको मिल जाए, या फिर आपको वीडियो अगर नहीं मिलता है मेरी, तो आप जैसे मान लीजिए वीलुकअप की वीडियो आपको सर्च करना है, तो आप यूट्यूब पे जाए, वीलुकअप आईपीटी इंडिया डाल दें, तो मेरे चैनल का वीलुकअप से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज अपना एक्सेल की क्लास, एक्सेल की चीजें। तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मूला की अगली कैटेगरी, रेफरेंसेस फॉर्मूला के बारे में। अभी तक हमने फाइनेंशियल लॉजिकल फॉर्मूला, टेक्स्ट फॉर्मूला, डेट एंड टाइम फॉर्मूला, तीन कैटेगरी फॉर्मूले के हम पढ़ चुके हैं, और चौथा कैटेगरी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सर, वो जो टेस्ट आपने दिया था उसमें दो तीन प्रॉब्लम बने नहीं है, वैसे डिस्कस। मैंने आपको टेस्ट से रिलेटेड एक कल वीडियो भेजा था कि आप लोग कंपेयर करके देख लें। आपने नहीं देखा वीडियो को? वीडियो मिला नहीं सर मुझे मेल से ना, नहीं, मेल कल कल शाम की मेल चेक कीजिए, उसमें कहीं से मैं किया था सर, नहीं मिला था। फिर मैंने नाइट ज्यादा हो गया तो मैंने डिस्टर्ब करना सोचा नहीं, फिर आज ऑफिस में बिजी था। एक बार फिर से मुझे भेज दे, मैं चेक कर लूंगा। देख लेता हूँ, अपने दे बैच लिस्ट में देख लेता हूँ, बैच लिस्ट में ऐसा है तो आपके पास नाम है। नहीं है ना? मुकेश नहीं है बी, सर, मेरा नाम राजीव आपका नाम नहीं है इसमें? नहीं है सर। राजीव प्रभाषण बोल सकता, हो सकता है भूल गया हूँ, मतलब सब्जेक्ट में आ रहा है, नहीं भी नहीं है, सब्जेक्ट में आ रहा है सर इसको। टाइप फॉरवर्ड करना था, मैं रिप्लाई कर हाँ, दिया। फॉरवर्ड। हाँ ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, थैंक तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रेफरेंसेस कैटेगरी के फॉर्मूले को। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है रेफरेंस कैटेगरी। सबसे पहला फॉर्मूला आप देख रहे हैं एड्रेस को। एड्रेस जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि हमने रो नंबर और यहाँ पे हमने कॉलम नंबर लिख रखा है। रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 5 है, तो क्या एड्रेस बनेगा? तो उसके लिए एड्रेस का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि तो नॉर्मली हम जो एड्रेस लिखते हैं, जैसे तो हमने लिखा है A5, तो A इधर कॉलम नंबर और 5 इधर रो नंबर, अल्फाबेटिक होता है। लेकिन अगर आपको दोनों अगर कॉलम में अल्फाबेटिक न्यूमेरिक में मिले, तो आप अपना एड्रेस कैसे बनाएंगे, यही आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं एड्रेस, एड्रेस में रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 5 आपको एड्रेस दिख गया E1। बट E1 जो दिखा आपको, ऐसा नहीं क्या मान लीजिए कि आप कुछ करना चाहते हैं कि E1 डिवाइड बाय 5 तो रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि E1 जो आया, ये आपका रेफरेंस जो आया, ये आया आपका टेस्ट में। इसको कंप्यूटर ये नहीं समझता है कि R1 C1 क्या है, नहीं समझता है कि ABCD, ये समझता है कि एक सेल एड्रेस है। ठीक है, सॉरी, सेल करेक्टर है, ABCD है। तो इसके लिए हमारे पास अगर कहीं इसको एज ए रेफरेंस यूज करना हो, तो इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर में डाल के यूज करें, तो आपको यहाँ पे सही रिजल्ट आएगा। तो इसका बेनिफिट का हम कहाँ यूज करेंगे, चलिए इसके लिए एक हम छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आपको इसके सारे फंक्शन समझ में आ जाएंगे। तो मेरे पास एक डेटा है जो कि मंथली है, जैन टू दिसंबर, और हम सैंपल नंबर के लिए रैंड बिटवीन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ताकि कुछ रैंडम नंबर आ जाए।
और कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर फिल डाउन एंड फिल राइट कर दिया, और फिर इसको हम पेस्ट वैल्यू करते ताकि बार बार नंबर हमारा चेंज ना हो। अब देखिए हमारे पास डेटा ये है, अब मैं कहता हूं कि मुझे पूजा चाहिए, पूजा की क्वार्टर वन की डेटा उसका सम, मतलब कि आपको सम करना है पूजा की इसकी जैन मार्च को। बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे पूजा की जगह पे मोनी भी हो सकती है और क्वार्टर वन की जगह पे क्वार्टर टू भी हो सकता है, तो ये डायनेमिक हो कि जैसे हम क्वार्टर नंबर चेंज करें, नेम चेंज करें, वो उसके हिसाब से अपना रेफरेंस को चेंज कर ले। समझ गए? वो कैसे करें, क्योंकि इसके लिए भी फॉर्मूला तो है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है मैच का। मैच फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी सेल वैल्यू को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्च करता है और उसमें जो उसका रो नंबर या कॉलम नंबर है वो दिखाता है। तो मैंने लिखा है मैच A14 मतलब कि मोनी को A1 को A1 से A19 में 0 मतलब कि एग्जैक्ट मैच सर्च करे, रिजल्ट आया 5 मतलब कि 5वें नंबर रो। याद रखिएगा कि रो नंबर नहीं बताता है, एक काउंट बताता है, रो काउंट मतलब कि 1 2 3 4 5 ये आपको आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं चूज का, यहाँ पे इफ भी लगा सकता था लेकिन इफ के जगह पे मैं चूज लगाता हूँ और इसको सिलेक्ट किया और मैंने बोला कि अगर चूज क्या करता है कि इंडेक्स नंबर मतलब कि 1 आएगा तो पहले वैल्यू को, 2 आएगा तो दूसरी वैल्यू को, 3 आएगा तो तीसरी वैल्यू को करता है। तो मैंने बोला कि अगर 1 आए तो यहाँ पे जैन शो हो, अगर 2 आए तो यहाँ पे अप्रैल शो हो, अगर 3 आए तो यहाँ पे जुलाई शो हो, मतलब कि हर क्वार्टर का पहला मंथ मैं यहाँ पे डाल देता हूं तो पहला मंथ आएगा। फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्मूला अगेन मैच का, जैसे कि मैंने बताया कि मैच किसी भी सेल वैल्यू को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों मैच करता है। इस बार मैंने हॉरिजॉन्टल डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे निकाला तो ये बताया कि 5वां नंबर कॉलन, अगर मैं कॉलन A1 सिलेक्ट करता हूं तो दूसरा नंबर आता है कि दूसरा नंबर कॉलन है। लेकिन इधर नंबर आया है तो एट दिस फॉर्मूला की मदद से मैं रो नंबर एंड कॉलम नंबर को सिलेक्ट करता हूं और फिर यहां पे B5 आ गया। फिर अगेन हम एड्रेस को रो नंबर, अब इस बार कॉलम नंबर में हम +2 कर देते हैं ताकि ये हमारा आ जाए, मतलब कि A5 से लेके D5 तक की वैल्यू को सम करना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब हम सम करते हैं तो सम में इस तरह का एड्रेस रेफरेंस होता है B3 से E3, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में ज्वाइन करेंगे विथ दिस सिंबल, तो आ गया। पर प्रॉब्लम यही है कि इस सम में इसको हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक टेक्स्ट है। जैसे कि हमने बताया कि किसी फॉर्मूला में अगर इसको लेते हैं तो इनडायरेक्ट के अंदर आएगा, तो हम F14 को इनडायरेक्ट के अंदर लेंगे ताकि ये रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए इसको फॉर्मूला एवेलेट करूंगा तो आपको पता चलेगा कि क्या कर रहा है। देखिए क्या हो रहा है, F14 को इन द इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा किसको डिनोट करता है, टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट है तो इनडायरेक्ट ने क्या किया, इसको कन्वर्ट करके इसको रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। देखिए इन्वर्टेड कॉमा हट गया मतलब ये रेफरेंस हो गया, फिर सम ने इसका सम निकाल दिया। लेकिन इन सबों के लिए हमने इतना बड़ा थ्योरम किया, मुझे तो इसको एक सेल में यहां चाहिए। तो आपको याद होगा हमने आपको फॉर्मूला मर्जिंग मेथड समझाया था, उसमें आप सेल वैल्यू को कॉपी कीजिए और जहां आपको पेस्ट करना है उसको पेस्ट कर दीजिए, और इसको भी चूज को भी हमने कॉपी किया और यहां जहां हमारा C19 है वहां पेस्ट कर दिया, C14 है ना, हाँ
नहीं, चूज को हमें यहां नहीं करना है, हमें चूज को यहां करना है. इसको कॉपी करेंगे, फिर इसको जहां पे हमारा C14 है वहां पेस्ट करेंगे, और यहां भी C14 है तो यहां भी हम पेस्ट करेंगे, और यहां पे आपका B14 भी है तो B14 का डेटा उठाते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे B14 पे पेस्ट करते हैं. फिर यहाँ हमारा एड्रेस का फॉर्मूला हमारा कॉपी होता है और D14 में यहाँ पेस्ट होता है, और यहाँ भी एड्रेस को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे E14 को पेस्ट करते हैं, और फिर एंड द लास्ट हम कॉपी करते हैं और यहां जहां F14 है वहां पेस्ट कर देते हैं. अब इस सबको मैं कट करके नीचे रख देता हूं. अब देखिए इसको कट करके यहां ला दिया. अब मैं यहां पे 2 लिखूं, 3 लिखूं, 5 लिखूं. 5 तो नहीं होता, 4 ही होता है ना, ठीक है. और नाम जो भी चेंज करेंगे उसके हिसाब से आएगा. तो इसमें आपने चूज को समझा, इसमें आपने एड्रेस को समझा और मैच को समझा. कोई डाउट इसमें आप लोगों को? नो सर. चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं. अब इसमें अगला फॉर्मूला की हम बात करते हैं, तो वह है हमारे पास कॉलम्स का. कॉलन एंड कॉलम, सबसे पहले कॉलम्स क्या करता है इसको समझिए. जैसे कि हमने कॉलम लिखा तो जिस सेल को रेफरेंस देंगे उस सेल का कॉलम आपको दिख जाएगा, या फिर जिस सेल में लगाएंगे और रेफरेंस नहीं देंगे तो आपको कॉलम्स दिखेगा, मतलब कि उसी सेल का कॉलम दिखेगा. तो इसका एक और फॉर्मूला होता है रो का. रो भी क्या होता है कि अगर मैंने रेफरेंस दिया इसमें किसी के सेल रो का नंबर दिया तो वो आपका रो नंबर दिखा देता है, या फिर हमने यहाँ पे किसी का रो रेफरेंस नहीं दिया तो आपका सेम रो दिखाएगा, जिस लगेगा उसका रो दिखेगा. इसका यूज एक बड़ा अच्छा होता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे सीरियल नंबर देना है कि 1 2, इस तरह से सीरियल नंबर आपको देना है तो सीरियल नंबर दे देते हैं. अगर कभी कभी क्या होता है कि बीच से कुछ डेटा डिलीट करने होते हैं तो हमने डिलीट कर दिया तो हमारा सीरियल नंबर सिक्वेंस में नहीं रहता है, नहीं रहा. तो अगर आप चाहते सीक्वेंस में रहे तो मैं यहाँ पे रो का इस्तेमाल करता हूं और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं. अब मैं बीच में से किसी को भी डिलीट करूंगा तो मेरा सीक्वेंस नंबर बिगड़ेगा नहीं, हमारा सीक्वेंस नंबर सेम रहेगा. लेकिन प्रॉब्लम है कि मुझे सीरियल नंबर यहां से स्टार्ट करना है, तो यहां पे अगर मैं रो लिखूंगा तो दिक्कत क्या होगा कि 7 दिखाएगा, तो मैं इसमें से -6 कर देता हूं, तो 1 आ गया, और नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं. ठीक है सर, यस सर. तो आपके रोल नंबर दिख गया. और सेम हमारे पास कॉलम्स होता है, तो कॉलम्स में क्या होता है कि मैंने मान लीजिए कि 10 कॉलम सिलेक्ट कर रखा है तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि आपने कितना कॉलम सिलेक्ट कर रखा है. और अगर आपने रोज की बात करें तो इससे मैं रोज सिलेक्ट करूंगा, मान लीजिए मैं 10 रोज सिलेक्ट कर लिया तो बताया कि आपने कितना रोज सिलेक्ट कर रखा है. तो ये मत समझिए कि फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं, घड़ी का इस्तेमाल है, लेकिन कहाँ पे है इसका इस्तेमाल होता है आपका एरे फॉर्मूला के अंदर में. जो एरे कैटेगरी का फॉर्मूला है उस एरे कैटेगरी के फॉर्मूले में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. यस सर. तो आगे क्लासेस में हम इसके बारे में समझाएंगे आपको. आगे इसमें एक फॉर्मूला होता है आपका हाइपरलिंक का. जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा कि www.google.com, तो एंटर मारते इस पे हाइपरलिंक लग जाता है, मतलब क्लिक करते हमारा google.com ओपन हो जाएगा यस. क्या.
लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम लोग इस डेटाबेस एंट्री करते समय इसको रिमूव कर देते हैं या रिमूव होता है, या फिर बहुत सारे जगहों से हम अलग अलग मेल आई डी फायर करना है, जैसे google.com, www.iptindia.com टाइप करते तो ठीक है, लेकिन कॉपी पेस्ट करते समय तो हाइपरलिंक नहीं लगेगा क्या सर? ये तो चलो ए टाइप करते आ जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर इस पे हम लोग कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं तो उस पे हाइपरलिंक नहीं होता है, मुझे हाइपरलिंक लगाना है। तो हाइपरलिंक आप एक एक करके लगा सकते हो, कहां से? इंसर्ट के लिंक ऑप्शन में, यहाँ लिंक ऑप्शन दिख रहा है, यहां से लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक एक करके ही करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास ऐसे अगर हजारों लाइन है तो हजारों बार हाइपरलिंक लगाना पड़ेगा, तो काफी दिक्कत हो जाएगी क्या? तो इसके लिए हमारे पास एक हाइपरलिंक का फॉर्मूला होता है, इक्वल हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में लिंक लिमिटेशन सेलेक्ट करते एंटर मारे हाइपरलिंक हो जाएगा, ड्रैग कर देंगे तो हर सिंक का अलग अलग होगा। कई रेट में अगर आप रेफरेंस चेंज भी करते हैं तो वो अपने आप को चेंज कर लेगा, ठीक है सर? यस तो इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं आप हाइपरलिंक। एक हमारे पास होता है फॉर्मूला टेक्स्ट का फॉर्मूला। फॉर्मूला टेक्स्ट क्या करता है कि जो फॉर्मूला आपने लगा रखा है वो बताता है कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगा रखा है। उसके बाद आता है फॉर्मूला ट्रांसपोज का, जैसे कि हमने मान लीजिए कोई डेटा बना रखा है मंथ, इसी इसी देख लेते हैं, इसी को इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास है, अब मैं इसको कॉपी करके राइट क्लिक करके मैं ट्रांसपोज कर देता हूं पेस्ट स्पेशल में, तो ये हो जाते तो वर्टिकल हो गया। पर ट्रांसपोज तो हुआ, लेकिन ट्रांसपोज जो हुआ है वो ट्रांसपोज वर्ट ए हुआ है, इसमें हुआ है, मतलब कि कॉपी नॉर्मल हुआ। अगर मैं कल के डेट में इसको चेंज करूं तो यहाँ पे अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि लिंक नहीं, मुझे चाहिए ट्रांसपोज विद लिंक। लेकिन चार्ट पे इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो इक्वल हम यहाँ पे ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको उस एरिया को सेलेक्ट कर ले जहां तक चाहिए, फिर ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाइए और इसको सेलेक्ट कीजिए। ट्रांसपोज जो है आपका एरे कैटेगरी का फॉर्मूला है, इसमें आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना पड़ेगा जाके आपका रिजल्ट आएगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अभी लिंक हो गया, कोई भी नंबर चेंज करेंगे तो एंटर मारते ही आपका नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका ट्रांसपोज कैटेगरी का फॉर्मूला आपका इसमें रेफरेंसेस में होता है। अब बाकी जो फॉर्मूले हमारे पास हो क्या है, हमारे फॉर्मूले हैं वी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप, मैच, मैच तो बढ़ाई दिया मैंने, ऑफसेट, ये फॉर्मूले। ये फॉर्मूले हम आपको कल डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको वी लुकअप से रिलेटेड जो वीडियोज भेजा था वो आप अगर उसको देख लेंगे तो, क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देख लेंगे सही होगा, क्योंकि वी लुकअप काफी ज्यादा जगहों पे वर्क होता है, ठीक है सर? तो एक बार देख लें, ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ ताकि आप लोग भी इससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर सके। कोई डाउट, कोई सवाल है आप लोगों के पास तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल है? ये सर एक उस शीट को खोलेंगे सर जो अभी भेज रहे हैं। हाँ, इसको बंद कर दिया। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा कहीं भी किसी सेल में अगर कोई कैलकुलेशन है तो उसका लिंक जो है, जैसे उस पर जाऊं तो मैं चाहता हूं कि वो कहां कहां से उसका रिलेटिव
मतलब कैलकुलेशन है वो हाईलाइट हो जाए, ऐसा हो सकता है सर? इसके लिए आपको यहाँ होता है ट्रेस डिपेंडेंट एंड प्री डिपेंडेंट। नहीं ये तो मतलब वो दिखेगा कि हाँ दिख रहा है सर? हाँ ये तो मतलब हाईलाइट हो जाना चाहिए, जैसे ही मैं वहां कर्सर ले जाऊं तो वो हाईलाइट होना चाहिए, ये तो हमेशा वो रहेगा मतलब विजुअल कर्सर रहेगा। जाने पर हाईलाइट नहीं होगा, उस पर क्लिक करने पर हाईलाइट होगा सर। नहीं जैसे एक्टिव सेल पर मैं जाता हूँ तो वो हो जाना चाहिए कि हाँ ये कैलकुलेशन इससे लिंक्ड है। हाँ नहीं इसके लिए उसके ये नहीं होगा सर, इसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा उस पर, जब क्लिक करेंगे तो हाईलाइट होगा, वो भी सेम सीट में, अनोदर सीट में होगा तो नहीं सर। ठीक है ठीक है ना, ठीक। अनोदर सीट में से मान लीजिए कि मैं यहाँ से इस सीट को लिंक कर देता हूँ और मैं इससे डिपेंडेंट ये कर देता हूँ, डिपेंडेंट कर देता हूँ, डिपेंडेंट एपी होगा, पी होगा, अब मैं इस पे क्लिक नहीं होता, नहीं ये दिखाएगा आपको सर। हाँ इस पे क्लिक करेंगे तो आप वहां पर जा सकते हैं, ठीक है। एरो के निशान पे अगर क्लिक कर देते हैं आप तो आपके गो टू आएगा, वहां पे सिलेक्ट कर लीजिए एंड गो कीजिए, पहुंच जाइएगा। ओके चलिए ठीक है सर। और किसी कुछ पूछना है? ओके तो हम कल बात करेंगे लुकअप फॉर्मूले की, तब तक प्रैक्टिस कीजिए और जो वीडियो मैंने दिया था उसको आप एक बार देख लीजिएगा, जो वी लुकअप की ओके सर बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भेजी थी मैंने आपको उसको एक बार देख लीजिए।